हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द क्वेश्चन मार्क में। आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ व्हाट्सएप के को फाउंडर जेम कोहन की, और मुझे पक्का यकीन है कि ये स्टोरी आपको सिर्फ टेम्परेरी मोटिवेट नहीं बल्कि परमानेंटली इंस्पायर करेगी कि लाइफ में रिजेक्शन सहने के बाद भी लाइफ को कैसे बढ़ाया बना जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं। फरवरी 24, 1976 को कोहन का जन्म यूक्रेन के एक छोटे से गाँव में हुआ, वो भी एक गरीब परिवार में। माँ हाउसवाइफ और पिताजी कंस्ट्रक्शन मैनेजर थे। जेन की परवरिश इतनी आसानी से इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई, काफी गरीबी देखनी पड़ी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। फिर कुछ समय बाद सन 1997 में जेन के पिता एक्सपायर हो गए। माँ को बेबी सिटर दाई के रूप में और खुद जेन को एक ग्रोसरी में क्लीनर के रूप में काम करना पड़ा। फिर सन 2000 में कैंसर के एक लंबे संघर्ष के बाद में उनकी माँ का भी देहांत हो गया। मतलब उनके प्रारंभिक जीवन में उन्होंने कई बड़े तकलीफ और दुख देखे। 18 वर्ष के होते हुए जेन ने अपना रुझान प्रोग्रामिंग में पाया। प्रोग्रामिंग सीखते हुए उन्हें एक अच्छा दोस्त मिला, वाल्टन, जो कि आज भी उनके साथ में व्हाट्सएप के कोफाउंडर के रूप में है। ऐसे साल काम करते हुए 9 साल बीत गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब एक्सपीरियंस हो चुके हैं, चलो फेसबुक कंपनी में काम किया जाए, क्योंकि उन्होंने याहू जैसी कंपनी में काम कर लिया था। पर फेसबुक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, फेसबुक ने उनकी काबिलियत को नहीं पहचाना। फिर 2-3 साल बाद अपने इस रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने व्हाट्सएप जैसे एक सिंपल इजी ऐप को लॉन्च किया, जिसमें एक मैसेज पॉपअप फीचर डाला, जिस वजह से व्हाट्सएप काफी अच्छा पॉपुलर हुआ और मिलियंस में डाउनलोड होने लग गए। इसी स्थिति में फेसबुक, जो कि काफी अच्छा ऐप है और व्हाट्सएप काफी प्रगति कर रहा था, वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक दिन फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने दोनों को, वाल्टन और जेम को, अपने घर सम्मान के साथ खाने पे बुलाया और व्हाट्सएप को खरीदने की डील पेश करी। डील ठीक लगी, दोनों ने डील साइन कर दी और $19 बिलियन में व्हाट्सएप फेसबुक के नाम कर दिया। भले ही जेन की अर्ली लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने काफी दुख तकलीफ सहन करी, रिएक्शन का धक्का भी सहन किया, पर बंदे की स्पीड ऑफ बाउंस बैक ने उसे आज दुनिया के रिचेस्ट मेन में शामिल करा दिया। हाँ, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करो, आपकी मदद है। पर इस स्टोरी से अभी इमीडिएटली कुछ सीखना और अपनी लाइफ में उतारना और अपनी लाइफ को बेटर बनाना। धन्यवाद।